दहशत गर्द कहती है, लेकिन आज हमारे ऊपर जितने मजालिम हो रहे हैं, हमारे ऊपर जितने जुल्म हो रहे हैं, इसके लिए पूरी दुनिया गवाह है और पूरी दुनिया की तरफ से आवाज़ आ रही है कि जुल्म बंद करो, जुल्म बंद करो। यहाँ तक के यूनाइटेड नेशन, जिन्होंने कभी हमारी तरफदारी नहीं की, उन्होंने भी कहा कि दुनिया की मजलूम तरीन कौम ये मुसलमान कौम है, कि जो हर जगह पे वो मार खा रही है और हर जगह पे पशुपक्षी जिंदगी गुजार रही है। खास करके मैं बर्मा के मुसलमानों को तो मजलूम नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं उनको ज़्यादा मजलूम मानता हूँ कि जिनको अपने मुसलमान भाई भी मजलूम नहीं दिखा दे रहे। उनको दूसरी कौमों ने कौन सी पॉलिसी और कौन सी बातें उनको बता दी है कि उनको अपने भाई भी उनको मजलूम नहीं दिखाई दे रहे। मैं ईरान का मैं खैर मकदम करता हूँ कि ईरान ने अपना वफ बर्मा भेजा और उससे कहा कि अगर तुमने अगर जुल्म नहीं होगा तो हम तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, और जब हम अमरीका से टक्कर ले सकते हैं, हम जब रूस से टक्कर ले सकते हैं, हम पूरी दुनिया से टक्कर ले सकते हैं, तो बर्मा को मिटाना हमारा फकत 24 घंटे का काम है। लेकिन फकत इस वजह से निकल रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम ना आए, लेकिन अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसका भी वो सफाया कर देंगे। और मैं नॉर्थ कोरिया का भी खैर मकसद करता हूँ कि नॉर्थ कोरिया से ये कहूँगा कि अगर उनको अपने वीजाई का अगर उसका भेजना है तो वो बर्मा के ऊपर भेजे और उनको तबाह बर्बाद कर दे। नारे।